नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा देव में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो कि एक धार्मिक विचारों की महिला थी। बचपन में नरेंद्र अपनी माता से रामायण महाभारत की कथाएं सुना करते थे। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने की लालसा दिखने लगी। स्वामी विवेकानंद की आरंभिक शिक्षा कोलकाता में ही हुई। विद्यालय से पूर्व उनका ज्ञान संस्कार घर पर ही उनके माता पिता तथा दादा की रेख देख में हुआ। उनका ज्ञान बाकी अन्य बालकों के तुलना में अधिक था। 8 वर्ष की आयु में इन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन संस्थान कोलकाता में प्रारंभिक ज्ञान के लिए दाखिला लिया। इन्होंने प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अत्यंत ही उच्चतम अंक प्राप्त किए। यह एक बेहद ही सराहनीय सफलता थी। अन्य विद्यार्थियों के लिए यह एक सपना था। विवेकानंद बचपन से ही बड़ी ही तीव्र बुद्धि के बालक थे। ये शास्त्रीय कला में भी निपुण थे। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं कि विवेकानंद एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो सके। वे एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास का निर्माण हो, उसकी बुद्धि का विकास हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। ये उनके सिद्धांत थे। वे चाहते थे कि बालकों के साथ बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद के आधारभूत सिद्धांत थे। वे यह भी चाहते थे कि पाठ्यक्रम में लौकिक एवं परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश के आर्थिक प्रगति के लिए तत्कालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। वे अपने गुरु से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। पिता की मृत्यु के बाद घर का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। घर की दशा बहुत ही खराब थी। अत्यंत ही दरिद्रता में रहते हुए भी उन्होंने अपनी अतिथि सेवी भावना नहीं छोड़ी। स्वयं भूखे रहकर दूसरों को भोजन कराने में उन्हें बड़ा ही आनंद आता था। अपने गुरु की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय महाद्वीपों का दौरा किया और ब्रिटिश भारत में मौजूद स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। बाद में धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद से बड़े ही प्रभावित थे। उन्होंने एक बार कहा, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं, तो विवेकानंद को पढ़िए। इनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कि आज भी अपना कार्य कर रहा है। सभी जानते हैं कि मात्र 25 वर्ष की अवस्था में ही स्वामी विवेकानंद ने
गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था और पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी थे। उनके भाषणों में जादू था, प्यार था, ओज था। उनके भाषणों को सुनकर लोग हर्ष से भर जाते। यही कारण था कि देश विदेश में उनको काफी माना जाता। 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए वे महान समाधि में लीन हो गए। में विवेकानंद एक सच्चे देशभक्त और सन्यासी थे। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये था स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय।